please don't forget to subscribe our channel Engineering Solution 43 and tap the bell icon to receive all the notification of the channel. Hey viewers, मैं फरहान आरिफ आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल इंजीनियरिंग सॉल्यूशन 43 पर। जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज का हमारा ये वीडियो है एनसीवीटी और एससीवीटी परीक्षाओं को ऑनलाइन कराने की तैयारी पर। आज मैं ये वीडियो इस चैनल पर इसलिए अपलोड कर रहा हूं क्योंकि सुनने में आया है कि शासन और व्यावसायिक परीक्षा परिषद के अनुसार आने वाली एनसीवीटी और एससीवीटी परीक्षाएं यूपीआईटीआई में ऑनलाइन हुआ करेंगी। तो उस ऑनलाइन पेपर की तैयारी किस प्रकार की जाए ये हम आज सीखेंगे इस वीडियो में। ऑनलाइन एग्जाम की सबसे अच्छी तैयारी करने के लिए आज हम इस वीडियो में जो वेब पोर्टल इस्तेमाल करने जा रहे हैं वो है nkonlinetest.com, जो कि अभी सफलतापूर्वक SSC, बैंकिंग, गेट, रेलवे, पुलिस जैसे कई एग्जामों की तैयारी ऑनलाइन करवा रहे हैं। और इसमें हमें लेटेस्ट न्यूज़, करंट अफेयर, जनरल नॉलेज के कई सारे लेटेस्ट क्वेश्चंस मिल जाते हैं जो कि आने वाली काफ़ी सारी गवर्नमेंट जॉब्स और एग्ज़ाम्स में लाभदायक होते हैं। इस वेब पोर्टल पे अभी एक नया लिंक ज्वाइन हुआ है UPITI। इसके अंदर हमें UPITI के ऑनलाइन परीक्षा के एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए काफ़ी अच्छा वेब पोर्टल दिया गया है। आइए सबसे पहले हम nkonlinetest.com की वेबसाइट को ओपन करते हैं जिसका होम पेज कुछ इस प्रकार है। तो यहाँ पर हम किसी भी टेस्ट की या एग्ज़ाम की ऑनलाइन प्रिपरेशन करने के लिए सबसे पहले हमें इस वेबसाइट पर साइनअप करना पड़ेगा। तो आइए साइनअप पर क्लिक करते हैं। साइनअप पर आपके पास जो एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगा वो कुछ इस प्रकार का होगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको ये सारी एंट्रीज फिल करनी होगी। इसमें सबसे पहले है नेम, इसमें सबसे पहले नेम फिल करते हैं आपका। नेक्स्ट है आपकी ईमेल आईडी, उसके बाद आपका कॉन्टैक्ट नंबर या मोबाइल नंबर, फिर आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं और उस स्टेट में आपकी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, आखिर में अपना पासवर्ड डालेंगे आप, फिर उसको कंफर्म करेंगे और फिर साइनअप। तो साइनअप करने के बाद जो आपका होम पेज खुलेगा वो कुछ इस प्रकार का दिखेगा। इसमें आपकी आईडी ऑलरेडी लॉगिन हो चुकी होगी। तो आइए इसे थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं और UPITI के आइकन पे हम क्लिक करेंगे। तो UPITI एग्ज़ाम को हम क्लिक करने के बाद जब हमारा नेक्स्ट पेज खुलेगा वो कुछ इस प्रकार का दिखेगा। इसमें आपकी सारी ब्रांचेस लिखी होंगी जिस जिसके टेस्ट पेपर्स अभी ऑनलाइन इस वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। तो इसे स्क्रॉल डाउन करके देखते हैं कौन कौन सी ब्रांचेस इस पे अवेलेबल हैं। तो अभी इस वेबसाइट पे जो ब्रांचेस अवेलेबल है ऑनलाइन टेस्ट प्रैक्टिस के लिए वो है इलेक्ट्रीशियन, फिटर, कोपा, टर्नर, मैकेनिक डीजल, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, मैकेनिक मोटर व्हीकल, मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग और वेल्डर। तो आइए फिलहाल हम क्लिक करते हैं फिटर ब्रांच के ऊपर और देखते हैं टेस्ट सीरीज किस तरह ओपन होती है। तो यहाँ पे फिटर ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हमारे पास दो ऑप्शन आए हैं फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के ऑनलाइन टेस्ट सीरीज प्रिपरेशन के। पर अब हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी किसी कूपन की जो कि इन टेस्ट सीरीज को अनलॉक करेगा। हम ये कूपन ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं या फिर जैसा कि मेरे पास मौजूद है एक कूपन जिसको स्क्रैच करके कूपन कोड लूँगा। तो इसे स्क्रैच करते हैं देखते हैं क्या कूपन आता है। इस कूपन कोड को हम अपने पास सेफली नोट कर लें क्योंकि हमारा यूज होगा टेस्ट सीरीज को अनलॉक करने के लिए। तो आइए देखते हैं कैसे उसे अनलॉक किया जाए। कूपन कोड को स्क्रैच करने के बाद अब हम आते हैं वापस अपनी स्क्रीन पे
और यहाँ पे क्लिक करते हैं अप्लाई कूपन पे। अप्लाई कूपन पे क्लिक करने के बाद हमारी स्क्रीन पे एक प्रॉम्प्ट आएगा जहाँ पे हम अपना कूपन कोड को एंटर करेंगे। यहाँ पे हम अपना कूपन कोड एंटर करते हैं और क्लिक करते हैं अप्लाई कोड पे। कूपन कोड को अप्लाई करते ही हमारा फर्स्ट ईयर का पेपर अनलॉक हो जाता है और जहाँ पे लिख के आ रहा था अप्लाई कूपन वहाँ पे अब लिख के आता है प्रोसेस। तो अब हम इस प्रोसेस बटन पे क्लिक करेंगे। प्रोसेस बटन पे क्लिक करने के बाद अब हमारे पास स्क्रीन पे चार ऑप्शन आ जाते हैं। तो यहाँ पे अभी हम फर्स्ट ऑप्शन यानी सब्जेक्ट वाइज वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे क्योंकि हमारे UPITM में पेपर सब्जेक्ट वाइज होता है। तो आइए इस पे क्लिक करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि फिटर का थ्योरी पेपर किस तरह का आएगा ऑनलाइन एग्जामिनेशन में। तो क्लिक करते हैं फिटर थ्योरी फर्स्ट ईयर। तो फिटर थ्योरी फर्स्ट ईयर पे क्लिक करके हम जब देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पे आते हैं चैप्टर वाइज डिस्क्रिप्शन आता है अलग अलग एग्ज़ाम का। तो हम देखते हैं पहला एग्ज़ाम प्रिपरेशन पे देखते हैं। स्टार्ट एग्ज़ाम पे क्लिक करते हैं फर्स्ट वाले चैप्टर में। तो स्टार्ट एग्ज़ाम पे क्लिक करने के बाद अब हमारे पास स्क्रीन पे जो आया है वो कुछ एक्चुअल मॉड्यूल जैसा ही एक मॉड्यूल हमारी स्क्रीन पे आया है जैसा कि आपके एग्ज़ाम में होगा। यहाँ पे हमारे पास हमारी फ़ोटो, नाम और कुछ डिटेल्स लिखी हुई है, जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। तो आइए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं इस बॉक्स पे और स्टार्ट एग्ज़ाम पे क्लिक करते हैं। तो अब हमारे यहाँ पे स्क्रीन पे जो एग्ज़ाम शुरू हुआ है वो एक्चुअल एग्ज़ाम का बिल्कुल प्रोटोटाइप है जिस तरह का हमारा एग्ज़ाम एक्चुअल होगा UPITI का। तो यहाँ में हम देखते हैं हमारे पास पहला सवाल आया है विद्युत से लगी आग को बुझाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास चार ऑप्शन होंगे जैसा कि हमारे मैनुअल पेपर में हुआ करता था मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। बस फर्क ये था वहाँ पे हमें OMR फिल करनी पड़ती थी, यहाँ पे हमें डायरेक्ट क्लिक करना है ऑप्शन के आगे लगे सर्किल में और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है अगर हम नेक्स्ट सवाल पर जाना चाहते हैं। यहाँ पे हमारे पास नीचे कुछ ऑप्शन है जैसे प्रीवियस, अगर हम किसी पुराने सवाल पे जाना हो तो हम प्रीवियस पे क्लिक करेंगे और बाकी के जो ऑप्शन है मैं एक एक करके आपको डिस्क्राइब करते रहता हूँ। तो जैसे हम क्लिक करते हैं फर्स्ट ऑप्शन CTC फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग करना चाहिए। तो अब हम क्लिक करते हैं सेव एंड नेक्स्ट पे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 ग्रीन हो चुका है जिस जैसे हमारे इंडेक्स में मौजूद है आंसर्ड वाला क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का हमने आंसर दे दिया है। तो अब हम देखते हैं कि अगर हम किसी क्वेश्चन का आंसर ना दें और नेक्स्ट पे क्लिक करें तो क्या होता है। तो ये अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 रेड हो गया है, इसका मतलब अभी हमने इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया है। तो ऐसा नहीं है कि हम इस क्वेश्चन का आंसर बाद में ना दे सकें, अगर हम दोबारा क्वेश्चन नंबर 2 पे क्लिक करेंगे तो आप क्वेश्चन 2 पे जाके उसका आंसर दे सकते हैं। बट अभी हम यहाँ पे इंडेक्सेस में दी हुई ऑप्शंस का चेक कर रहे हैं कि किस तरह वो हमारे एग्ज़ाम में नज़र आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का अब हम देखते हैं मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट पे करके क्लिक के हमारा क्या होता है। यहाँ पे हमने मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट पे क्लिक किया, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है येलो कलर का जो कि इंडेक्स में शो कर रहा है मार्क एंड नॉट आंसर्ड, इसका भी हम आंसर बाद में दे सकते हैं। इस ऑप्शन का प्रयोग हम जब करेंगे जब हमें लगेगा कि इसका आंसर हमें आता है और अभी याद नहीं आ रहा और हम बाद में देखेंगे तो इसका क्या आंसर देना है। तो हम इसे मार्क करके रखें और बाद में देखेंगे कि इसका क्या आंसर आता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 जैसे हमारा है या 5 है या 6 है या 7 है 8 है, ये सारे क्वेश्चन अभी हमने देखे नहीं हैं, पढ़े नहीं हैं, इसीलिए ये अभी हमारे में शो कर रहा है नॉट विजिटेड। ठीक, इस तरह
हम देख सकते हैं हमारे क्या जैसे हैं ऑप्शंस। इसका आंसर हम जैसे लगा के देखा विद्युत और मार्क फॉर रिव्यू नेक्स्ट पे किया, अब ये हमारा ऑरेंज कलर का हो गया है और मार्क देन आंसर पे है, मतलब इसका हम आंसर दे चुके हैं। अगर हमारा एग्ज़ाम इसी हालत में अगर सबमिट हो जाता है तो ये हमारा आंसर अटेम्प्ट माना जाएगा, मतलब इसका आंसर हम दे चुके हैं। अगर हमें डायरेक्ट किसी क्वेश्चन पे जाना है तो हम क्वेश्चन नंबर पे डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं, जैसे कि हम जाना चाहते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, तो हम 11 पे क्लिक करेंगे और हम डायरेक्ट उस क्वेश्चन पे पहुंच सकते हैं। ये पॉज का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है क्योंकि हम यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं, पर ये पॉज का ऑप्शन आपके एक्चुअल मॉड्यूल में नहीं होगा क्योंकि आप अपने टाइम को वहाँ पे रोक नहीं सकते। वहाँ पे आपका टाइम एक दफ़ा जब शुरू हो गया तो वो अपने आप टाइम अप होने के बाद ही रुकेगा। और अगर आपको इस बीच लगता है कि आपका पेपर कंप्लीट हो चुका है, आपके पास टाइम अभी भी बचा हुआ है बट आप जाना चाहते हैं, तो आप अपना एग्जामिनेशन फिनिश करके जा सकते हैं। और फिनिश करने के बाद आपके स्क्रीन पे एक प्रॉम्प्ट आएगा जो कि आपसे पूछेगा कि आप अपना ऑनलाइन पेपर सबमिट करना चाहते हैं। यहाँ पे आप अपने ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ओके और इसे सबमिट कर दें, तो आपको इस तरह के कुछ ऑप्शंस मिलेंगे आपके ऑनलाइन एग्जामिनेशन में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारा चैनल इंजीनियरिंग सॉल्यूशन 43। थैंक यू।